सुबह सुबह नगर दबोह में बड़ा हादसा हो गया जिसमें एक महिला ने अपना दम तोड़ दिया। सूत्रों की माने तो बाइक सवार महिला पड़री से लहार की ओर जा रही थी, तभी कोच रोड पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया से टकरा गई, जिसकी वजह से बाइक सवार तीनों यात्री नाले में जा गिरे, जिससे तीनों लोगों को चोटें आई। वहीं नाले में गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल महिला के ऊपर नाले पर जमी सीमेंट का टुकड़ा उसके सिर पर जा गिरा, जिससे महिला के सिर में गंभीर चोट आई। महिला को दबोह पुलिस द्वारा उपचार के लिए लहार भेजा गया, जिस दौरान घायल महिला ने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल तो सूत्रों के मुताबिक महिला लहार के मडियापुरा निवासी बताई जा रही है। घटना के दौरान पुलिस मामले पर पूर्व पार्षद दीवान सिंह कौरव ने नगर पालिका पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इस क्षतिग्रस्त पुलिया की शिकायत कई बार फोन के माध्यम से सीएमओ से की, परंतु अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पहले भी इस पुलिया पर कई हादसे हो चुके हैं, जिनकी जिम्मेदार नगर परिषद दबोह है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद नगर विकास नहीं बल्कि स्वयं के विकास को लेकर कार्य कर रही है। टीम भारती न्यूज। नाम है आपका? दीवान सिंह कौरव हमारा नाम है। ये पुलिया पर जो हादसा हुआ है, तीन लोग नाले में चले गए, क्या कुछ मामला है पूरा? इसमें नगर पालिका दबोह की अनियमितता है। मैंने कई बार उनको अवगत भी कराया टेलीफोन से, दूरभाष से भी, कि इसमें पुलिया पर रेलिंग वगैरह लगा दें। तो दोनों लोगों ने पैर यहाँ चटकी हुई थी पुलिया, पेड़ टेकने के उपरांत तीनों लोग नीचे चले गए। ऊपर से ये चट्टान उनके सर पे गिरी, जबकि नगरपालिका चाहती तो ये घटना नहीं होती, विवश घटना नहीं। कितने लोग घायल हैं इसमें? तीनों लोग पुलिया के नीचे गए थे, ऊपर से खड्डा गिरा है। इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं क्या? आप एक बार भी पहले भी हुआ, एक बार सीधी महिला मोटरसाइकिल वाले नीचे आके घुस गए पूरी, कोई रेलिंग व्यवस्था करा दे रही नगरपालिका वाले, तो ये हादसा होने से टल जाता। Subscribe now to most exciting channel ever.